नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ हम बात करेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आप इसका डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन भी यहां से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। इसी के साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं जो आपके नोटिफिकेशन लाइव सर्कल्स हैं, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग 23 सर्कल से ये वैकेंसीज रखी गई हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अगर हम यहां पर बात करें दोस्तों वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो देखिए इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी गई है, तो देखिए पोस्टल असिस्टेंट के पद के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, इसी के साथ में पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए वैकेंसीज है, साथ ही में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिए दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से 15,800 वैकेंसीज रखी गई है। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में 12वीं पास कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों, आप यहां से चेक कर सकते इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो नोटिफिकेशन रखा गया है, इसमें आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में अगर हम बात कर लें, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम आपका यहाँ पर पोस्टल असिस्टेंट एंड डाक सेवक पद के लिए आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 15,800 वैकेंसीज रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10वीं पास और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी apost.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। सो इसी के साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो देखिए यहां से आप चेक कर सकते हैं, राजस्थान के लिए 3,262 वैकेंसीज रखी गई हैं, मध्य प्रदेश के लिए 2,834 वैकेंसीज है, उत्तराखंड के लिए 724 वैकेंसीज है, हरियाणा के लिए 608 वैकेंसीज है। साथ ही में दोस्तों, आप यहां से चेक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए 3,951 पदों पर वैकेंसीज रखी गई है। महाराष्ट्र से अगर मैं बात करूं तो 345 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, गुजरात से 450 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल से 2,101 पद रखे गए। इसी के साथ में दोस्तों, आप यहां से चेक कर सकते हैं, कर्नाटक से 456 वैकेंसीज रखी गई है, साथ ही में बिहार से 1,200 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, 1,200 वैकेंसीज रखी गई है बिहार से, तमिलनाडु से 785 एंड दिल्ली से 1,411 वैकेंसीज हैं। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। साथ ही में दोस्तों, झारखंड से 470 वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाएंगी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर 12वीं पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, साथ ही में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है, एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और लोकल लैंग्वेज का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी जाकर के आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सैलरी की अपडेट के बारे में, तो देखिए जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट पद के लिए आपको सैलरी दी जाएगी, वो लेवल 4 से दी जाएगी, 25,500 रुपए से 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी बनने वाली है। सो काफी अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के साथ में पोस्टमैन और मेलगार्ड पद के लिए लेवल 3 से आपको सैलरी मिलेगी और 21,700 रुपए से 69,100 रुपए तक आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए आपका जो है लेवल 1 से सैलरी मिलेगी, 18,000 से 56,900 रुपए तक आपको काफी अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा।
जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए यहाँ से आप इजीली सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको आपका फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए 18 से 41 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आपका डीओबी 1 जनवरी 2004 से पहले का है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपकी एज को यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखिए ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें तो 400 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस व एमपीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एंड एससी एसटी एंड ऑल अदर रिजेक्ट कैंडिडेट को 350 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। सो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और कैश कार्ड वॉलेट का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन फीस सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। 20 जनवरी 2023 से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट कर लें। सो फ्रेंड्स अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। तो देखिए आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 22 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही में जो आपके लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है, जो क्लोजिंग डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, वो 20 जनवरी 2023 रखी गई है। सो 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों आपकी जो एग्जाम डेट रखी गई है वो मार्च 2023 रखी गई है। सो 22 दिसंबर 2022 से 20 जनवरी 2023 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और मार्च 2023 में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो किसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।